है जो आप लोगों ने सीखा, बाद में कुछ ऑब्जर्वेशंस करी क्लास के बाद? लो सारे साउंड खोल लो, आप लोग अनम्यूट कर देखे लो। सर, देखे हैं। क्या समझ में आया? वही जो एक डॉट अगर मारते हैं तो सब स्टॉप जैसा है, दो डॉट अगर देते हैं तो इमोशनल की दुकान है। तो जितने अपने रिलेटिव्स है, पहचान वाले हैं, उसमें से दो डॉट जिन्होंने मारे हैं वो सही में इमोशनल की दुकान है क्या, वो हमने देख लिया। 100% है, हाँ 100% है सर। 99.99 कुछ नहीं होता। नहीं, 100% ये है। इतना एक्यूरेट है, इतना एक्यूरेट है कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। 1% भी आप इधर से उधर नहीं होगे। आप राइट लोगों ने राइट वास्तु किया हुआ है तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। जो लोग दो डॉट लगाते हैं ना, उनके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होता है। आप सिग्नेचर से वास्तु भी किसी के घर का करेक्ट कर सकते हो। नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन बोले सर? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। और मैं यही बोलता हूँ, 99.99% कुछ नहीं, 100 मतलब 100। सिग्नेचर इज सो प्योर, सिग्नेचर इतने प्योर होते हैं कि आप जब निकालोगे तो दूध दूध हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, सब साफ साफ हो जाएगा। सर और एक बात थी, कई लोगों की सिग्नेचर सालों साल एक ही रहती है, और जबकि कई लोगों की सिग्नेचर हर चौथे पांचवें महीने में बैंक वाला बोलता है कि ये सिग्नेचर मैच ही नहीं हो रहा है, आपने पहली बार अलग किया था, तो ये पर्सनैलिटी में क्या फर्क होता है? उसकी लाइफ में उसी हिसाब से चेंजेस आ रहे होंगे। स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, हर समय कुछ ना कुछ उसके जीवन। आप ऐसे आदमियों के सिग्नेचर का भी टैली करना, या तो उनका प्रोफेशन बदलता जाएगा या उनका मकान बदलता जाएगा, ठीक है। या फिर अगर जैसे मैं ऑकल्ट में हूं, ठीक है, तो ऑकल्ट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्यूमरोलॉजी से करियर अपना शुरू किया, 20 साल हो गए वो न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहे, उन्होंने कुछ नया डेवलप नहीं किया। जो वाटर एलिमेंट वाले लोग होंगे उनके सिग्नेचर वेवी हो जाएंगे, अगर आप उसको एलिमेंट से देखो। क्यों? वाटर है, स्टेबल रहेगा नहीं, है ना। तो जब जब सिग्नेचर वो करेगा, थोड़े थोड़े समय में उसका सिग्नेचर बदलता रहेगा, उसका प्रोफेशन बदलता रहेगा, उसका इंटरेस्ट बदलता रहेगा, उसके शौक बदलते रहेंगे, उसका मकान बदलता रहेगा, उसकी नौकरी बदलती रहेगी, कुछ 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 कुछ, कुछ चेंज उसका जिंदगी में बना ही रहेगा। कोई एक डायमेंशन ऐसा जरूर होगा जिसमें हर 6 महीने में एक नॉवेल्टी आ जाएगी उसकी लाइफ में। और ये लोग धीरे 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 अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप कर लेते। मतलब क्या आता है तुमको? सिलाई करनी आती है? हाँ आती है। कढ़ाई करनी आती है? हाँ आती है। इंजन बनाना आता है कार का? हाँ आता है, ठीक है। मोबाइल रिपेयर कर लोगे? हाँ कर लेंगे। सॉफ्टवेयर बना लोगे? हाँ बना लेंगे। ऐप बना लोगे? हाँ बना लेंगे। ई कॉमर्स कर लोगे? हाँ कर लेंगे। कपड़ा बेच लोगे? हाँ बेच लेंगे। एंड दे आर द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। एक प्रॉब्लम रहती है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ अल्ट्रेड नन, मस्ट नथिंग। वो चीज जरूर रहती है। लेकिन वाटर एलिमेंट वाले के लिए वही ठीक है। अगर वाटर एलिमेंट वाला स्टेबल हो जाएगा तो वो वाटर एलिमेंट का ही नहीं है ना, बात ही खत्म हो गई। राइट 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 तो जो लोग वाटर एलिमेंट वाले हैं, दे नीड टू कीप चेंज, उनको चेंज चाहिए हर थोड़े थोड़े चाहिए। समय में।